नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लॉगिन मेंस के बारे में, अर्थात लॉगिन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस मॉडर्न इंटरनेट की युग में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो लॉगिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉगिन मेंस क्या होता है, बेसिकली इसका यूज क्या है, यह सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में हमारे साथ। लॉगिन क्या होता है दोस्तों, जब भी आप अब अपनी फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंटरनेट का यूज करते होंगे और किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते होंगे तो आपको लॉगिन शब्द जरूर देखने को मिला होगा। ऐसे में आप अगर लॉगिन शब्द का मतलब नहीं जानते तो आपको उस प्रोग्राम के अंदर पहुंचने में दिक्कत होती होगी, अर्थात जब तक कि आप उसमें लॉगिन नहीं होते हैं तो आप उस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, लॉगिन मेंस दोस्त जब भी आप किसी प्रोग्राम को यूज करते हैं तो उस प्रोग्राम में आपको अपनी यूजर आईडी डालनी होती है, उसे कहते हैं एक नया खाता बनाना, मतलब साइन अप करना होता है। अगर आप नए यूजर हैं और किसी प्रोग्राम में आप प्रवेश करते हैं तो आपको जो पहला इंटरफेस दिखेगा उसमें लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो अगर आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आप से वह यूजर आईडी मांगी जाएगी जो आपने उस प्रोग्राम को पहले यूज करने के लिए साइन अप किया था, अर्थात आपने जब नया खाता बनाया था तो प्रोग्राम में जो डिटेल्स डाली थी वह डिटेल्स यहां पर डालनी होगी। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप उस प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस प्रोग्राम को कभी यूज नहीं किया था, पहली बार यूज करने जा रहे हैं तो आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर वह बार बार एरर बताएगा और आप उस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर पाइएगा। लॉगिन मेंस किसी प्रोग्राम में लॉगिन का मतलब उस प्रोग्राम को दोबारा एक्सेस करना होता है, अर्थात आपने जब उस प्रोग्राम को पहली बार यूज किया था तब आपने वहां पर एक नया खाता बनाया था जिसमें आपने कुछ अपनी जानकारी डाली थी, जैसे कि आपका नाम और पासवर्ड इत्यादि। इसे कहते हैं यूजर आईडी। तो जो यूजर आईडी आपने प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए डाली थी, अब वही यूजर लॉग इन करने के लिए डालना है। लॉग इन मेंस किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए हमें एक नया खाता बनाना पड़ता है और जब हम उस प्रोग्राम से लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा उसे एक्सेस करने के लिए हमें वही यूजर आईडी उस प्रोग्राम में डालनी होती है जो हमने साइन अप करते समय डाली थी। इसे ही कहते हैं लॉगिन। लॉगिन मेंस नए यूजर किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए नई यूजर आईडी बनाते हैं, लेकिन जब वे प्रोग्राम से लॉग आउट होते हैं
उसी दोबारा एक्सेस करने के लिए वे वही यूज़र आईडी से लॉग इन करते हैं जिससे उन्होंने साइन अप किया था, इसे कहते हैं लॉग इन। इसे ही कहते हैं लॉग इन।